पहली कॉलर हैं पंजाब से, लता जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। आदाब, जय हिंद, वेलकम। भाईजान मेरे तीन सवाल हैं। मैडम जी तीन सवाल हैं, लिख लो आप है ना जी। एक ना भाई है, उसको शुगर शुगर भी और जुकाम खांसी नजला इसे साथ में जैसी रहती है, उसको क्या क्या दें? और एक हम जो आपने मुंडी बटी बताते हो उसको चबाकर खाना है? चबा के नहीं, निगल कर खाना, निगल कर साप्ती साप्ती को। हाँ, साबुत ऐसे मुंह में रख के और निगल के खाना है। भाई अगर किसी को साथ में कब्जी हो, उनकी आंखें लाल रहती हैं और खुजली होती है, तो उसको कब्जी भी है, उसको क्या दें फिर? मुंडी बटी दें और क्या दें? और एक सवाल और है भाई मेरा। भाई एक सवाल ये है कि जो उनाव वाला नुस्खा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसको खट्टी चीजें नहीं सिखाती और ठंडी चीजें नहीं सिखाती, हम उसको दे सकते हैं? ठीक है। हाँ, खट्टी और ठंडी चीज़ें उनको खानी नहीं चाहिए जिनको ज़ुकाम नज़ला खांसी बलगम छींकें एलर्जी होती है, तो उनको खट्टी चीज़ें उस वक्त तक नहीं खानी चाहिए जब तक ये नुस्खा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए 5-6 महीने दरकार होते हैं, 5-6 महीने चाहिए होते हैं। जब तक ना करें तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है, करेंगे तो फिर वक्त ज़्यादा लगेगा, तो आपको हमसे शिकायत हो सकती है। मुंडी बूटी वाला आपने जवाब दे दिया। हकीम साहब, इनके एक भाई हैं जिनको शुगर है और नज़ला ज़ुकाम रहता है। हाँ देखिए, शुगर तो का तो इलाज करना ज़रूरी है, लेकिन शुगर वाले खट्टी चीज़ खाते हैं, वो नज़ले वाले खट्टी चीज़ खाते हैं तो उन्हें नहीं चलती अक्सर, तो जैतून का सिरका नहीं दे सकते इन्हें अगर नहीं चले तो इनको जामुन का गोंद आधा आधा ग्राम 2 बार दिया करें दिन में, इससे ज़्यादा ना दें। ये दरअसल बहुत तेज़ होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि हम जामुन अब आने वाली है, मेरे ख्याल से अभी आ जाएगी या आ गई होगी, तो हम 200-300 रुपए की जामुन खा जाते हैं। शुगर वाले तो बहुत ज़्यादा खाते हैं और सोचते हैं इससे फ़ायदा हो जाए, लेकिन बहुत मामूली सा फ़ायदा भी होता हो तो मुझे इत्मीनान नहीं होता। इसी का एक गोंद आता है जिसे जामुन का गोंद कहते हैं, असली ले लें और आधा आधा ग्राम खाने से पहले आधा एक घंटे पहले खा लिया करें, इसे ज़्यादा ना खाएं, काफ़ी तेज़ होता है। एक आधा ग्राम में इसके गोंद में 2 किलो जामुन की ताकत होती है, इसे ज़्यादा कभी ना खाएं। तो मैं फिर से बता दूं कि ये आधा ग्राम में 2 किलो जामुन की ताकत होती है, और वैसे ही असरात इसके हैं कि जैसे आपने आधा ग्राम खा लिया तो 2 किलो जामुन खा ली। अब 2 किलो जामुन तो आदमी खा नहीं सकता, तो उतना ही फ़ायदा करता है ये, लेकिन आधा ग्राम से ज़्यादा ना लें और 1 या 2 ही बार लें और खाने से पहले लें तो फ़ायदा मुमकिन है। और सवाल जी, एक सवाल है इनका कि कोई है इनके घर में जिनकी आंखें लाल रहती हैं और कब्ज़ की शिकायत है? आंखों के लिए, लाल के लिए कोई और भी दवा ले सकते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। और एक आता है, देखिए कब्ज़ के लिए पहले लीजिए, कब्ज़ के लिए सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें। और नमक तो आप जानती हैं, इसमें जैतून का 1 चुटकी 1 चम्मच में मिला के इन्हें खिलाएं कब्ज़ के लिए। और चिलगोजे का गौन आधा ग्राम रोज़ाना रात को खिलाया करें, पानी से या दूध से खाना खाने के बाद, तो इनकी आँखों को भी फ़ायदा होना मुमकिन है।